नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों, आज कुछ अलग टॉपिक पे बात करेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा लोगों के व्हाट्सअप कमेंट मैसेज वगैरह मेल पर भी ऐसे बहुत सारी बात होती हैं, सर जी मैन पावर से रिलेटेड वो बात करना चाहते हैं, इंडिया में मैन पावर कहाँ है, सर जी उनका एड्रेस दे दीजिए, अच्छा आदमी कौन है। अब अच्छे आदमी का तो भैया क्या पता लगे, उसको यूज़ लोगे तो ही पता लग पाएगा अच्छे आदमी का। तो साथियों, आज अपन बात करेंगे इंडिया में मैन पावर लाइसेंस से रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि मैन पावर लाइसेंस का मतलब क्या होता है कि लोगों को ये होता है यार कि मैन लाइसेंस है, मैन पावर है तो बंदा ठीक होगा, अच्छा होगा, अपना साथ चीटिंग नहीं होगी, धोखा नहीं होगा। क्योंकि इस लाइसेंस की सेम वैल्यू वो है, इसके कंपैरिजन में आपसे कर दूं कि मान लीजिए आप बाइक से जा रहे हैं, छोटा एग्जांपल छोटा सा है, आप बाइक से जा रहे हैं, सामने पुलिस खड़ी है, यातायात पुलिसकर्मी खड़े हैं जो हाथ में एक पर्ची ले रखी है कि जो हेलमेट नहीं है या फिर और कुछ नहीं है तो वो चालान बना रहे हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं, होल्डर नहीं है, ठीक है। जैसे आप रुकोगे वो सबसे पहले कागज मांगेंगे, सबसे पहले तो लाइसेंस मांगेंगे, लाइसेंस प्लीज चेक योर लाइसेंस, आपका लाइसेंस दो, तो लाइसेंस चेक करवाओ। तो कहने का मतलब अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप सेफ हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तो आपको 200 रुपये का फाइन लगेगा, 100 रुपये का फाइन लगेगा, समझ गए बात को। तो सेम अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप इज्जतदार हो, आपको टेंशन नहीं है, सेम कंडीशन इसमें होती है। अगर मैन पावर जो आदमी काम विदेश भेजने का काम करता है उसके पास लाइसेंस है तो उसको कोई बाड़ बांका नहीं कर सकता, समझ गए बात को, तो क्योंकि वो वैध है, उसके पास वैलिड है, वो लाइसेंस है, वो काम कर सकता है। जैसे गाड़ी चलाते हैं लाइसेंस होता है ना, तो पुलिस वाले पास में खड़े रहो, अपने पास लाइसेंस है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, सेम कंडीशन इसमें होती है। तो आज अपन बात करेंगे मैन पावर लाइसेंस से रिलेटेड। साथियों, तो ये लाइसेंस होता क्या है, मैन पावर क्या होता है, इसका लाइसेंस का मतलब ये होता है कि जो आदमी रिक्रूटमेंट यानी विदेश भेजने का जो काम करते हैं उनको एक लीगल तरीके से मैन पावर लाइसेंस लेना होता है विदेश मंत्रालय से, ठीक है। तो वहां से वो एक अप्रूव होता है लाइसेंस, ठीक है, उसके बाद में आप काम कर सकते हैं, उसमें आप लीगल तरीके से कोई दिक्कत आपको नहीं होती, ठीक है साथियों। अब वैल्यू की बात कर लें तो वैल्यू तो मैंने आपको पहले बता दी, इसकी वैल्यू वही है जैसे आपके पास बाइक चला रहे हो, आपके पास लाइसेंस है, सामने यातायात खड़ी है, वो चालान बना रही है, आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, लाइसेंस भी है, तो आप आराम से निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सेम वैल्यू इसकी होती है, विदेश भेजने के काम में लाइसेंस है तो कोई दिक्कत नहीं होती, आप लीगल तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है साथियों। जरूरी क्यों है, अगर बंदे को ईमानदारी से काम करते हुए ये काम काफ़ी लॉन्ग टाइम से यानी बंदा कर रहा है, ईमानदारी से वो काम आगे करना चाहता है, एक नंबर में काम करने की अगर वो सोचता है तो ये लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लीगल वे हो जाएगा, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, इसलिए मैन पावर लाइसेंस होना ज़रूरी है अगर वो काम विदेश भेजने का करते हैं तो, ठीक है साथियों। अब खर्चे की बात कर लेते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ जाती है, मैन पावर लाइसेंस का खर्चा कितना होता है, हर आदमी का क्वेश्चन होता है। इसमें देखिए दो लाइसेंस होते हैं साथियों, एक ये होता है 1000+, ठीक है, 1000+ की बात करें तो मिनिमम इसमें साथियों 50 लाख रुपए का खर्चा है, इसीलिए लोगों के पास लाइसेंस नहीं होता, 50 लाख रुपए चाहिए भाई लाइसेंस लेने के लिए विदेश से रिलेटेड, ठीक है। और साल भर आपको चक्कर काटने पड़ेंगे, दिल्ली के आपके जो बीच में दूरी है ना, जेक लगवाना, मंत्री तक का जेक लगवाना पड़ता है, तब जाके ये सेटिंग होती है। तो कहने का मतलब 50 लाख रुपये आपके पास हैं तो आप मैन पावर का लाइसेंस ले सकते हो, और ये भैया इम्पॉसिबल है, इसीलिए कहाँ लाइसेंस इंडिया में, आज लाखों एजेंट लाखों मिल जाएंगे आपके पास, एजेंट इंडिया में लाखों मिल जाएंगे, लेकिन मैन पावर का, हमारे राजस्थान की बात करें तो मेरे राजस्थान में मात्र 32-33 लाइसेंस अब तक हैं पूरे राजस्थान में, जबकि एजेंट कम से कम कितने मिल जाएंगे, एजेंट कम से कम मिल जाएंगे हजारों, 1000 एजेंट तो मेरे 3 जिलों में मिल जाएंगे आपको, ऑफिसें भी मिल जाएंगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि बस काम करते हैं वो दूसरे के थ्रू इनडायरेक्टली करते हैं, वो काम तो उनको लाइसेंस होल्डर के थ्रू ही करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे तो कहाँ ऐसा काम करेंगे, वो दिल्ली से कर लेते हैं या लोकल जो मैन पावर होते हैं उनके थ्रू कर लेते हैं, मैन पावर के थ्रू ही काम करना पड़ेगा, इनडायरेक्टली नहीं होगा। अब लिस्ट की बात करें साथियों, तो ये लिस्ट इंडिया में बात करें तो मेरे हिसाब से लगभग 3 और 3500 के बीच में मैन पावर लाइसेंस है मेरे हिसाब से, लेकिन मैंने एक लिस्ट निकाली थी उसमें मात्र 1309 लाइसेंस की लिस्ट है मेरे पास में, और मुझे ये लगा कि ये पूरे स्टेट की लिस्ट है, पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में बॉम्बे में है, उसके बाद केरला में है, सबसे ज़्यादा बॉम्बे और केरला, दिल्ली में भी इतने लाइसेंस नहीं, उससे ज़्यादा वहाँ पर हैं, ठीक है साथियों। लाइसेंस क्यों नहीं ले पाते, ये मैंने पहले ही बता दी साथियों कि 50 लाख का जुगाड़ चाहिए लाइसेंस लेने के लिए पहले चाहिए, उसमें 20 लाख की एफडी होनी चाहिए, 20 लाख के आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, 20 लाख कैश जमा कराना, इसका लगभग 50-60 लाख रुपए का इसमें खर्चा हो जाता है, इस वजह से लोग लाइसेंस नहीं ले पाते, वो एक दूसरे के माध्यम से काम करते हैं। दूसरी बात यह कि लाइसेंस होल्डर आदमी फर्जीवाड़ा नहीं करता,
क्योंकि उसको पता है कि अगर फर्जीवाड़ा करेंगे तो आगे आपका लाइसेंस वैलिड नहीं होगा, आगे रिन्यू नहीं होगा, समझ रहे हो, तो दिक्कत आ जाती है उसमें। तो साथियों मैंने आप मैन पावर से रिलेटेड कुछ बातें बताई हैं, मेरे पास लिस्ट है लगभग 1309 मैन पावर हैं, जिसमें हमारे मेरे साथी भी हैं काफ़ी सारे जो मैन पावर उनके पास, उनकी भी उसमें लिस्ट है। तो अगर आपको कहीं पर भी अप्लाई कर रहे हो, लिस्ट से संबंधित कोई इंक्वायरी लेनी है तो पर्सनल कॉल करके आप ले सकते हो, मैं इंक्वायरी करके आपको दे दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको 500 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी अकाउंट में। मैं पहले वीडियो में ही बोल देता हूँ ताकि आपको फिर फोन पे बोलूँगा तो आपको दिक्कत आएगी। अगर आपको किसी मैन पावर से रिलेटेड कोई इंक्वायरी लेनी है, ठीक है, तो उसका एड्रेस पता, ईमेल, जीमेल, जो भी उनका एड्रेस वगैरह है, मैं इंक्वायरी करके दे दूंगा। इसके लिए मात्र 500 रुपये आपको फीस के पे करनी पड़ेगी, ठीक है साथियों। तो मैन पावर से रिलेटेड मैंने कुछ बातें बताई, नेक्स्ट वीडियो में मैं पर्सनली कुछ मैन पावर से रिलेटेड एक वीडियो और बनाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सही जानकारी, सही मोटिवेशन मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।